नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया चक्रवर्ती सजा भुगतने को तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिया चक्रवर्ती के महंगे वकील कह रहे हैं कि अब वो अग्रिम जमानत के लिए भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके सारे अपने लोगों ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। और तो और, एक बात जो मार्क करने वाली है, रिया चक्रवर्ती एनसीबी के पास जाने से पहले ही उसने ये घोषणा कर दी थी कि अगर वो फंसेगी तो सारे चेहरे को वो बेनकाब कर देगी, उन सभी नामों का खुलासा कर देगी जो इस रैकेट में, इस पूरे गैंग में, इस माफिया के साथ मिले हुए हैं। मतलब ये बॉलीवुड के कई सारे नामों के ऊपर से पर्दा हटेगा। हमारे पास इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं कि पूछताछ के अंदर एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती किस तरीके से अपना बचाव कर रही है और लोगों के नाम बता रही है। लेकिन एक्शन तो सीबीआई की जांच में आ गया है, क्योंकि सीबीआई को अब यह लगने लगा है कि यह जो सुशांत की जो मौत हुई थी, यह जो आत्महत्या की जो थ्योरी बताई गई थी, वो अब क्रम्बल कर रही है। ये जो थ्योरी थी कि उसने आत्महत्या कर लिया, पंखे से लटक गया, अब ये पूरी तरीके से सीबीआई को समझ में आ गया है कि ये एक मर्डर है और मर्डर करने वाले कौन हैं और उसके लिए क्या क्या सबूत जुटाने जरूरी है, उसमें सीबीआई का पूरा कंसंट्रेशन चला गया है। कहने का मतलब ये है कि आज सीबीआई और एनसीबी के लिए बहुत ही एक्शन पैक्ड और ड्रामे से भरा हुआ दिन है, क्योंकि एक तरफ संदीप सिंह की ग्रिलिंग हो रही है, वो संदिग्ध शख्स जो अचानक से सुशांत की मौत के बाद मौकाए वारदात पे आया और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसकी ग्रिलिंग सीबीआई कर रही है। और इधर रिया चक्रवर्ती से पांच बड़े बड़े अधिकारी एनसीबी के उससे पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ के दौरान क्या हुआ, पहले दो घंटे तक रिया चक्रवर्ती से अकेले में बातचीत हुई और उसके बाद सौभिक और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने किया गया और रिया चक्रवर्ती के सारे सबूत और सारे जब दस्तावेज उसके सामने रखे गए तो उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। ये लोग अभी तक ये थ्योरी बताते चले आ रहे थे कि वो खुद ड्रग्स नहीं लेते, ये सैमुअल भी कह रहा है, ये सौभिक भी कह रहा है और रिया चक्रवर्ती ने भी यही बात कही कि वो अपने लिए कुछ नहीं मंगाती थी, ये सारा का सारा वो सुशांत के लिए लेकर के आती थी। लेकिन जो हार्ड डिस्क, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 23 GB डाटा उसको रिट्रीव जो एनसीबी ने की है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, और उसे जब डंप किया गया, उसकी जब जांच की गई, तो पहला सवाल जो पूछा गया इस रैकेट को लेकर के, जो ये कह रही थी कि भाई हम तो लेते नहीं, ये सब कुछ सुशांत के लिए कर रहे थे, तो उससे जो सबूत मिले हैं वो सबूत ये बताते हैं कि 2014-15 से ही रिया चक्रवर्ती ड्रग माफिया के संपर्क में थी और ये सारे जो उसके फोन से जो डंप किया गया, जो कंप्यूटर लैपटॉप से जो सारी जानकारियां मिली हैं उस आधार पे, और जब एनसीबी के अधिकारियों ने उसके सामने ये सबूत रखे कि किस तरह से तुम्हारे रिश्ते 2014-15 से ही ड्रग माफिया के साथ हैं, तो इसे तुम कैसे डिनाई कर सकती हो, तो रिया चक्रवर्ती के पास कोई जवाब नहीं बचा। दूसरी जो अहम जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि सौभिक रिया चक्रवर्ती को देखने के बाद बहुत ही कमजोर पड़ गया और उसने नाम उगलने शुरू कर दिए हैं। अब तक 28 ड्रग डीलर्स पैडलर्स के नाम सौभिक ने बताए हैं और इस वक्त मुंबई में कई इलाकों में एनसीबी छापेमारी कर रही है। बांद्रा के इलाके में, सेंट्रल क्रूज के इलाके में दो चार लोगों को पकड़ धकड़ भी किया गया है और ये पूरा नेटवर्क, ये बार बार इस बात को एनसीबी के अधिकारी कहते चले आ रहे थे। मल्होत्रा साहब ने, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने दो दिन पहले ही कहा था कि उनको केंद्र सरकार से ये मैंडेट मिला है कि ये जो ड्रग का कार्टेल जो मुंबई के अंदर ऑपरेट कर रहा है बॉलीवुड के अंदर,
उसमें न सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मौत को लेकर के जो तहकीकात करनी है वो सिर्फ दायरा यही नहीं रहेगा, मुंबई में और बॉलीवुड में किस तरीके से ये पूरा जंजाल जो इन लोगों ने बिछा रखा है, इन सारे नेटवर्क को तहस नहस करना है और सारे लोगों को पकड़ना है। तो 28 लोगों के नाम आए हैं और 28 लोगों को किस तरीके से पकड़ेगी इसकी भी शुरुआत एनसीबी ने मुंबई में कर दी है। लेकिन इससे भी धमाकेदार जो खबर आई है वो ये आई है कि बॉलीवुड के अंदर में ये सौविक की ने ये जानकारी दी है कि बॉलीवुड के अंदर माने फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनमें से 14 लोगों के नाम बताए गए हैं जिनका रिश्ता ड्रग माफिया के साथ है और ड्रग माफिया के साथ मिलकर ये लोग अपना एक अलग कारोबार चला रहे हैं। इस तरह के 14 बड़े बड़े नाम हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीबी बहुत तैयारी के साथ अब तक जिस तरह से एक एक सबूत को, जिसको कह सकते हैं कि रिवर्स इन्वेस्टिगेशन, ये एक रिवर्स इन्वेस्टिगेशन जो एनसीबी ने किया कि इन्होंने पहले उन लोगों को पकड़ा जो 7 नाम जो हमने आपको पहले बताए थे कि किस तरह से कोई पठान था तो कोई जैद था तो कोई बशीर था कोई शेख था, इस तरह के 7-8 जो किंग पिन जो बांद्रा और सेंटर कुछ के इलाके में ऑपरेट कर रहे थे, ड्रग बांट रहे थे, उसका धंधा कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ने के बाद ये जीरो इन किया गया कि किस तरह से इनके तार रिया चक्रवर्ती और इसके गैंग से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी जो धाराएं सौविक और सैमुअल मिरांडा के ऊपर लगाई गई हैं, और जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो कोर्ट में फिर से इन्हें पेश किया जाएगा और कोर्ट से इनकी कस्टडी मांगी जाएगी और फिर इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जो सतीश मान सिंधे हैं जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो कोई भी अग्रिम जमानत के लिए वो कोई एप्लीकेशन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अगर धाराएं वही हैं, ग्रुप वही है और आरोपी के साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं तो जिस तरीके से दीपेश, जिस तरीके से सौविक और सैमुअल को कोर्ट ने कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए 9 तारीख तक के लिए वक्त दिया है, वही हाल रिया चक्रवर्ती के साथ होगा। मतलब रिया चक्रवर्ती के बचने का अब कोई तरीका कोई रास्ता नहीं बचा है। तो रिया चक्रवर्ती जिस कार से एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी उसकी अगली सीट पे उसका बैग भी था, मतलब वो सामान लेकर के आई है कि 3-4 दिन तो कम से कम एनसीबी की गिरफ्त में इन्हें बिताना होगा। तो अभी एनसीबी अपना काम कर रही है लेकिन एक्शन तो सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने आज क्या किया, सीबीआई ने आज फिर संदीप सिंह को बुलाया और एक अजीबोगरीब सवाल जब उससे पूछा गया तो वो भौचक्का रह गया। संदीप सिंह से पूछा गया कि जब तुम सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद उसके घर पहुंचे तो क्या तुम छत पे गए थे? ये छत पे जो बार बार सीबीआई की टीम पहुंच जा रही है और इसका एक रहस्य सा लग रहा है कि पता नहीं इस छत के ऊपर जरूर कोई गुत्थी है, कोई मिस्ट्री है, जरूर उसका कुछ सुशांत की मौत से लेना देना है। और ये सवाल जब पूछा गया तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया। कई सारे सवाल किए जा रहे हैं जैसे कि उसके पास सुशांत के आधार कार्ड और पैन कार्ड वो कहां से आ गए और किसके कहने पे, किसकी अथॉरिटी पे तुमने हर जगह इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया और हर जगह तुमने दस्तखत किए। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहा है। और एक और इसमें एक नया एंगल आया है, नया एंगल ये आया है कि आज फिर उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाया गया है जिससे ये पूछताछ की जा रही है कि ये बार बार सुशांत की मौत के 3 दिनों तक लगातार वो संदीप सिंह से क्यों बातचीत कर रहा था। ये तो पूछताछ की बात है लेकिन सीबीआई की तरफ से एक और बड़ी बात हुई है। एम्स की जो टीम, जो फोरेंसिक टीम है, वो इस वक्त जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को ग्रिल कर रही है, क्योंकि जो तस्वीरें जो
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एम्स की जो टीम है, जो मेडिकल बोर्ड है, उनके पास आई है, उनमें उन लोगों का साफ साफ मानना है कि ये केस आत्महत्या का तो हरगिज ही नहीं है, ये होमसाइड है। और किस तरीके से आपने इसकी जांच की कि आपने मौत का वक्त तक नहीं दिया, और बहुत सारे कड़े सवाल उधर पूछे जा रहे हैं। और तो और इस दौरान सीबीआई ने एक और काम किया है, फिर से 5 घंटे तक सुशांत के उसी फ्लैट में जहां उसकी मौत हुई थी वहां से फिर से रिक्रिएशन किया गया है। और ये जो फॉरेंसिक टीम ने फिर से रिक्रिएशन जो किया है, उनका साफ साफ मानना है कि सुशांत की मौत कोई आत्महत्या का केस नहीं है, ये थ्योरी बेकार है, क्योंकि जो जो चीज़ को वो रिकन्फर्म करना चाह रहे हैं वो हालात उससे उससे मेल नहीं खाते हैं। और इसलिए सीबीआई ने अब इसे पूरी तरीके से एक मर्डर का केस मान लिया, एक होमसाइड का केस माना है, और उसी हिसाब से सीबीआई इसकी जांच में जुट गई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटे हुए थे, जो लोग रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट बता रहे थे, वो तमाम मीडिया वाले भी, मुंबई के बहुत सारे पत्रकार जो इस केस को सिर्फ एक अलग प्रकार से इसे इंटरप्रेट करवाना चाह रहे थे, भ्रम फैलाना चाह रहे थे, इनकी थ्योरी अब बिल्कुल फेल हो गई है, क्योंकि सीबीआई अब इसे मर्डर के एंगल से तहकीकात कर रही है। अब बस देखना यह है कि कितने दिनों में सीबीआई के पास वो पुख्ते सबूत आ जाते हैं कि जिसके बाद वो गुनहगारों के नाम और चार्जशीट लेकर कोर्ट में पहुंचती है और सुशांत को न्याय दिलवाती है। हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।